दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, 9वीं और 11वीं के लिए आज नया आदेश जारी हुआ है, जो कि डेट है आज की 8/4/2021। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल से। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है विषय कोरोना वायरस के दृष्टिगत परीक्षाओं के आयोजन में संबंध। तो देखिए, ये अपना दिया गया है यहाँ पर संदर्भित प्रश्न पात्र से कक्षा 9वीं एवं 11वीं के वार्षिक परीक्षाओं तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए शासकीय विद्यालयों के विद्यालयों को विद्यालय से प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसे विद्यार्थी घर पर हल कर विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने विद्यालय में जमा करेंगे। उक्त निर्देश के अनुसार निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो देखिए, COVID-19 के चलते हुए आदेश दिए गए हैं। पहला है, कोविड के संक्रमण के कारण शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थी हेतु परीक्षा की तैयारी के लिए दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल को अध्ययन अवकाश रहेगा। अतः विद्यार्थी 9 एवं 10 अप्रैल को शाला में उपस्थित नहीं होंगे। अब दूसरा देखिए लिखा हुआ है, दूसरा, यद्यपि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा हेतु समय सारणी जारी की गई है, किंतु वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण जिलों में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होने के कारण समय सारणी अनुसार कार्रवाई का बंधन समाप्त किया जाता है। तो देखिए, एक नया आदेश है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है तीन नंबर पर, शाला प्रमुख 12 अप्रैल अथवा जिले में लॉकडाउन की स्थिति में दिन जिस दिन भी लॉकडाउन खोले उस दिवस अपने जिले के स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सभी प्रश्न पत्र एवं कोरी उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थी को एक साथ प्रदान करें। शाला में प्रश्न पत्र प्राप्त करने का समय 9 से 12 बजे का हो रहेगा। प्राचार्य अपने स्तर से पृथक पृथक कक्षाओं के लिए पृथक पृथक समय निर्धारित कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी टाइम फिक्स नहीं होगा कि आपको इतने टाइम जाके जमा करना है और इतने टाइम लाके मतलब प्रश्न लाना है। ये टाइम दिया गया है कि 9 से 12 बजे तक अपन प्रश्न पत्र ला सकते हो और किसी भी टाइम मतलब इसमें जो होगा उस टाइम जमा कर सकते हैं। विद्यार्थियों से पुनः उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए भी शाला प्रमुख अपने स्तर पर दिनांक निर्धारित कर सकेंगे। मतलब कोई डेट निश्चित नहीं होगी, जो भी डेट होगी वो आपके स्कूल द्वारा ही प्राप्त की जाएगी। और नंबर 5 है अपना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि अपनी जो पुस्तकें हैं कहीं और चेक होने नहीं जाएंगी, आपके स्कूल में ही चेक होंगी। और प्राचार्य अनिवार्य है सुनिश्चित करेंगे कि 30 अप्रैल तक वर्ष की तरह इस वर्ष भी विषम पोर्टल पर ही परीक्षा परिणाम प्रदर्शित। यानी कि आपका 30 अप्रैल तक हो सकता है कि आपकी परीक्षा समाप्ति भी हो जाए और आपका रिजल्ट भी आ जाए। शासकीय शालाएँ आगामी आदेश तक प्रतिदिन प्रातः 9 से 12 बजे तक ही खुलेंगी। यानी कि आपका विद्यालय केवल 9 से 12 बजे तक ही खुलेगा, 4 बजे तक नहीं खुलेगा। इन छात्रावासों में दर्ज विद्यार्थी निकट शाला से प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर सकेंगे तथा उसी विद्यालय में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। संबंधित शाला विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें और अंक मूल शाला में उपलब्ध कराएं। ये आपके आज न्यू आदेश रिलीज हुए हैं। और इसके बाद अगर कोई भी आदेश आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आज का डेट थी और ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो कि आपके काम के नहीं, जो भी काम के थे मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। और अगर कोई आदेश आता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करके बताऊंगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।